जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी में हुए आतंकी हमले की जांच लगातार एनआईए कर रही है और एनआईए की उच्च स्तरीय टीम बीते दो हफ्तों से डांगरी में डेरा जमाए हुए है। एनआईए ने करीब दो दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए हैं और हमले की साजिश के शक में पकड़े गए संदिग्धों से भी लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें, बीते 1 जनवरी को राजौरी जिले के डांगरी में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 7 लोगों की जान गई थी और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं। राजौरी से सटे जंगल हो या पुंछ से सटे जंगल हो, चाहे आसपास का इलाका हो, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जिन पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने इस कायरता को, इस बर्बरता को अंजाम दिया है, उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहीं डांगरी के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, आखिरकार क्यों वो आतंकी अभी तक मारे नहीं गए। बेहद ज़्यादा गुस्से में ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे तमाम एजेंसीज हो, लगातार हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जवान हो या अर्धसैनिक बलों के जवान हो, हर कोई आतंकियों की तलाश में जुटा हुआ है ताकि जितने जल्दी हो सके इन आतंकियों को जहन्नुम पहुँचाया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News24 राजौरी डांगरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।